Hey guys, welcome back to my new blog. तो आज हम आए थे एक और फिश वर्ल्ड पे, जहाँ पे आपको बहुत सारी आपके फिशेस मिल जाएंगी पालने के लिए, आपको खरगोश मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ बेस्ट रेंज में आपको मतलब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको मतलब मछली का जो दाना वाना मिलता है वो सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो शॉप का जो एड्रेस, लोकेशन और मोबाइल नंबर है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। तो चलिए आपको शॉप के ऑनर से मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो भाई शॉप में अंदर चलते हैं। समीर भाई, समीर भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो समीर भाई अपने पास क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी? भाई अपने पास फिश की वैरायटी मिल जाएगी, बॉक्स मिल जाएगी, रैबिट्स मिल जाएंगे, फिश पॉट्स मिल जाएंगे, पॉट्स मिल जाएगी, उसके एक्सेसरीज मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ चीज़ नहीं होगी तो अपन अरेंज भी करवा देंगे आप। तो समीर भाई जैसे दाना वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी फिश से रिलेटेड? टोटल चीज़ें मतलब एक्स वाई जेड टोटल चीज़ें मिल जाएगी, फूड मिल जाएगी, अपने ब्लड बॉम्ब मिल जाएंगे, टोया वाइड है, टर्टल फूड है, श्रिंक्स है, अच्छा, मेडिसिन है, फिल्टर है। तो समीर भाई अपन एक एक करके सारी फिश कवर करते हैं। जी सर। तो ये कौन सी फिश है समीर भाई? भाई ये रोजी बार होती है। रोजी बार ये थोड़ी हार्ड वैरायटी में होती है और हाँ। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेती है। अच्छा। उसके बाद में अपन आ गए ये रेड टेल शार्क, रेम्बो शार्क बोलते हैं इसको। अच्छा। ये ज्यादातर बॉटम फीडर होती है, जो नीचे का कचरा वगैरह रहता है ये वो खाने के अंदर। अच्छा। मतलब साफ कर देती है एक तरीके से। ठीक है। इसके बाद अपन ऊपर आए तो ये ऊपर आए तो अपनी ऑस्कर होती है, ये थोड़ी एग्रेसिव फिश होती है, इसके साथ में गोल्ड वगैरह इसमें की वैरायटी नहीं रहती है और ये रफ एंड टफ मच्छी होती है। अच्छा। उसके बाद में लीची गोल्ड हो गई। लीची गोल्ड इसकी खासियत ये है कि खूबसूरती में बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ। इसके बाद ये अपनी अल्बिनो ऑस्कर, अल्बिनो ऑस्कर ये भी अपनी मॉन्स्टर फिश में आती है, एग्रेसिव होती है। अच्छा। और उसके बाद ये बलून मॉली हो गई। हाँ ये अच्छी दिख रही है, क्यूट सी, छोटी सी, ये अच्छी दिखती है और ये डायरेक्ट एक यही मच्छी होती है जो डायरेक्ट बच्चे देती है। अच्छा। खासियत ये होती है। तो इनमें से आपने दिखा रहे हैं कितने टाइम में मतलब एडल्ट हो जाती है, अंडे देने लायक हो जाती है मछलियाँ? मॉली तो ये इसमें ये फूल चाहिए क्योंकि इस साइज के अंदर आके बच्चे देना स्टार्ट कर देती है, इस साइज में साइज से ही स्टार्ट कर देती है, बाकी इसका साइज 2-2.5 इंच तक पहुंच जाता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये समीर भाई, उसके बाद में इसके अंदर जेब्रा, अल्बिनो टाइगर और मॉली तीनों चीज मिक्स है। तीनों मिक्स है। ये अल्बिनो टाइगर होती है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे हमने प्राइस नहीं बता रहे हैं, तो प्राइस के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा समीर भाई से, क्योंकि ऐसे वीडियो में प्राइस रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको अगर खरीदना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर लेने आ सकते हैं और प्राइस के बारे में पूछ सकते हैं। समीर भाई इसके अलावा ये दिख रही है भाई, ये टाइगर है। टाइगर ये भी विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेती है। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि मतलब एक की झुंड में चलती है ज्यादातर। अच्छा। और ज्यादा झुंड में चलती है, बहुत ही सुंदर लगती है। हाँ, अच्छी लग रही है। और आगे अपने चिकलेट, चिकलेट इसके अंदर 3-4 कलर होते हैं, जैसे अपनी बनाना चिकलेट हो गई, ब्लू चिकलेट हो गई, अल्बिनो चिकलेट हो गई। अच्छा। ये मतलब ऐसे रॉक के अंदर इसको हाइड एंड सीक प्लेस चाहिए रहती है छुपने के लिए। अच्छा अच्छा। ये बेसिक चीज़ों में अंदर यहाँ पे घुस जाती है। कोई कार्प हो गई अपनी, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। इसके बाद ये बच्चे हैं क्या छोटे छोटे दिख रहे हैं? गप्पी होती है। कौन सी? गप्पी फिश। गप्पी फिश। अच्छा। ये इनका साइज, ये एंजल फिश है ना? ये एंजल फिश हो गई। ठीक है। अभी अपन प्लांटेड का स्टार्ट कर रही है, फर्स्ट अपन ने सैंपल के तौर पे बनाया है इसके अंदर। अच्छा। ये एंजल फिश रखी हुई है। हाँ। ये इसको ब्लू एंजल बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अपनी गोल्ड फिश हो गई। गोल्ड फिश हो गई अपनी, ये गोल्ड के बाद अपनी लॉयन हेड आ गई। लॉयन हेड, लॉयन हेड बोलते हैं इसका, सर देखिए एकदम लॉयन जैसा दिख रहा है, लॉयन हेड होता है ये। ठीक है। ये गोरामी, गोरामी, गोरामी बोलते हैं इसको, ज्यादातर नीचे की तरफ चलती है, एक तरफ ये नीचे नीचे दिख रही है सारी। ठीक है। ये रेड कैप, रेड कैप, इसके सर के आगे का हेड देखिए, इसके अंदर एक और तरीके का आती है ओरेंडा रेड कैप, उसका आगे का हेड मखमली होता है। अच्छा। इसके बाद मिल्की कोई, मिल्की कोई, मिल्की कोई कार बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। तो ये एक अकेली सिंपल रखी हुई है? ये सिंपल रखी है, फ्लॉन होती है। इसकी खासियत ये है, ये मतलब अपने जो इसको पालता है उसको पहचानती करती है, उसके हाथ के साथ मूवमेंट करती है। अच्छा। आप उस तरफ कैमरा लेके जाइए, आपके कैमरे के साथ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। जैसे मैं इधर ला रहा हूँ, इधर लोग इधर आ जाएगी। हाँ, ये साथ में देखिए भाई, आप देख सकते हैं इसको। तो समीर भाई जैसे है ना, ये आपने फिश वगैरह के बताया, अगर कोई फिश पॉट खरीदना चाह रहा है तो मतलब मिनिमम कम से कम रेंज हो ज़्यादा से ज़्यादा कितने में पड़ जाता है? कम से कम अगर वो नॉर्मली ग्लास का इंडियन टैंक लेना चाह रहा है तो 15 इंच बाय 12 इंच का टैंक होता है, उसको टोटल पूरा कम्प्लीट 1500 में हो जाता है। उसमें लाइट, फिल्टर, फिशेस, कवर वगैरह सब हो जाता है। फिर ऐसे उसके आगे बड़ा पॉट लेते हैं, फिर ग्राहक अपने हिसाब से ऐसे चॉइस करता है, तो बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इसके। अच्छा अच्छा। कोई सा कॉम्बो हो? कॉम्बो में आपका चाइना टैंक भी होते हैं, चाइना टैंक देखिए आप भाग। जी हाँ, ये वाला। इसके अंदर
पूरी एक ही जॉइंट में कर्क किया हुआ रहता है ये। हाँ, इसका ना लाइट भी आती है। अच्छा, फिल्टर भी इसी कलर ही होता है। इस टाइप के टैंक थोड़े कॉस्टली होते हैं। हाँ हाँ, ये 3,000-3,500 का पूरे कंप्लीट हो जाते हैं केसेस के साथ में। कोट वगैरह ये सब आ गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद अगर अपन ये इनके खाने वगैरह कवर करें तो ये क्या रेंज से स्टार्ट होते हैं इनके खाने पे? कवर करें तो ये अपना अल्फा का दाना होता है। हाँ, ये होता है। इसके में टायो का दाना होता है। टायो का इसमें ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम के अलावा टोया बाइट होता है। टोया बाइट हो गया, ऑप्टिमम 3-in-1 हो गया। टायो के अंदर मतलब इसके अंदर 100 ग्राम 200 ग्राम सभी साइज की वेरायटी मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो समीर भाई अगर कोई हमारा चैनल का नाम लेके आता है तो वो डिस्काउंट मिलेगा उसको? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। तो भाई साहब बिल्कुल आ जाइए यहाँ पे। आपको अगर फिश लवर हैं, पेट लवर हैं, तो आपको यहाँ पे फिशेज वगैरह मिल जाएगी। सारे खाने पीने की इनकी चीज़ें, जो भी दाना वाना था, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, मशीन वगैरह मिल जाएगी इनकी? हाँ मिल जाएगी, टोटल चीज़ मिल जाएगी। कुछ मेरे पास होगी नहीं तो वो चीज़ अपन अरेंज करवा देंगे। ठीक है ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दी चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।